मेरे माइक्रोफोन में वो सारी की सारी चीजें हैं तो मेरी जरूरतें पूरी कर सकती है बट एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा ही याद दिलाती है मैं गरीब हूँ तो इस गरीबी को मिटाने के लिए मैं बिल्ड करने तो चल चल वीडियो, तो कर कर 15 -15 वीडियो का चैलेंज जिसमें हमें टेन के सब्सक्राइबर्स हिट करने रहे हैं वैसे भी एक वीक के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने वो सारी चीजें ले ली है जो बिल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो पहले मुझे यहाँ पर मुझे उस बात की झंझट नहीं चाहिए की खराब दिख रहा है अच्छा दिख रहा है अच्छा ही दिखना चाहिए तो इसके लिए मुझे परफेक्ट मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे फोर्थ और ये फिफ्थ ओके अभी ये परफेक्ट हो गया नहीं 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 इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा एक ब्लॉक के हाइट पर चलो चेस्ट को तो मैंने लगा दिया अब इसके पीछे आएंगे नाइन हॉपर्स जिस हॉपर्स में जॉम्बिस को जब हम लोग मारेंगे ना तो उस हॉपर्स के थ्रू इस चेस्ट में आएंगे रोटन फ्लैश वगैरह हड्डी पहलवान का आएगा स्केलेटन सॉरी बोन आएगा एक दो तीन और एक दो तीन और एक दो अबे तेरी ऐसी हट यहां से भेंडी और हाँ आप जरूर यहाँ पर एक बार देखना कि ये एक दूसरे से ऑपर्स कनेक्ट हो चुके हैं जो मुझे देखकर अभी ये बिल्ड करने वाले हैं वो अभी हमें ऊपर जाना है और उसके बाद अभी इसके ऑपर के ऊपर मुझे लगाना ट्रैप डोर जो कि टोटल न आएंगे क्योंकि इसके बीच में अगर गैप रही तो जॉम्बिस गलती से भी नहीं आ पाएंगे बाहर ओके okay, और यहाँ पर ये सब कुछ हो गया अभी मुझे यहाँ पर साइड पे लगाने हैं स्लैब बट स्लैब लगाने से पहले इसको हाँ ये हो गया टेम्पररी ब्लॉक चलो यहाँ पर टेम्पररी तो लग गया अभी इसके ऊपर हाँ यहाँ पर नहीं बॉटम साइड पर नहीं टॉप पे हमें लगाने पड़ेंगे स्लैब क्योंकि उस गैप में से हम उन जॉम्बिस को मार सकते हैं किल कर सकते हैं ये लास्ट इसके बाद सारा काम हो जाएगा अभी ये जो बीच के जो फालतू के ब्लॉक्स है ना इसको तोड़ता हूं मैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से मुझे टोटल एटीन लेयर्स अप जाना है मतलब की ऊपर जाना है अभी मैं हूँ सिक्सटी वन ब्लॉक्स मतलब की हाइट पर और टोटल एटीन अगर प्लस करूं तो उसमें हो गया सेवेंटी नाइन तो अभी मुझे सेवेंटी नाइन लेवल पर जाना है ऑल राइट गाइज तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सेवेंटी नाइन के हाइट पर और अभी मुझे चार ब्लॉक्स आगे एक्सटेंड करने हैं और वो चारों साइड पर इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि एक और दो और तीन और ये हो गया चौथा हाँ अभी ये ठीक लग रहा है ऐसे ही चारों साइड पर मुझे करने होंगे ओके गाइस तो यहाँ पर हो गया अभी बस इनके बीच में जो गैप है उसको मुझे फिल अप करना है ब्लॉक्स तो खैर मेरे पास बहुत सारे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो यहाँ पर काम शुरू कर देते है ओके गाइस तो सैडली एक गड़बड़ कर दी मैंने मुझे यहाँ पर स्टेयर्स लगाने हैं पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद इस पर यहाँ पर मुझे स्टेयर लगाने होंगे चलो गरीबी में आटा गीला तोड़ने के काम पर लग जाओ अभी गाइस मैंने जुगाड़ कर दिया है मैंने वो जो ब्लॉक्स थे उसको तो ब्रेक नहीं किया सिर्फ यहाँ से नो ब्लॉक्स को ही रिमूव किया है और इसके ऊपर ये ब्लॉक्स लगाए है। देख कर आप लोग तो समझ ही गए होंगे ओके okay, तो नेक्स्ट काम है वो अपने को फेंस लगाने है फेंस गेट जो की मैं टोटल ट्वेल्व लेके आया हूँ शायद हाथ ट्वेल्व ही है लेकिन मुझे सिर्फ नो ही चाहिए और यहाँ पर एक टेम्पररी ब्लॉक लगा दू मुझे लगा कि अभी मैं गिर जाता हाँ ओके तो इसके ऊपर एक और दो और तीन ये गलत लग गया हाँ अभी ये सही लगा है तो ऐसे ही आपको नौ टोटल लगाने हैं ओके तो फेंस गेट के बाद हमें टोटल यहाँ पर चार ऐसे ब्लॉक्स लगाने हैं ये हो गए दो तीन और चार Uh, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ पर बीच में शायद से तीन आएंगे एक साइड में भी आएंगे एक यहाँ पर एक यहां पर और बीच में एक आएगा हाँ ये नहीं नहीं नहीं, नहीं बीच में नहीं आएगा सॉरी सॉरी ये अभी हो, नहीं यार ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे बट एनी वेज ऑल राइट गाइड तो मैंने सारा काम खत्म कर दिया है और जो मैंने चार लगाए थे ना वो टोटल चार नहीं लगाने हैं तीन ही लगाने हैं तो इसमें से एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा और वहां से भी एक तोड़ना पड़ेगा और ये दो और वो साइड से एक टूट जाएगा हाँ ओके तो ऐसे टोटल तीन लगाने हैं और राइट तो अभी इसके पीछे ब्लॉक लगेगा ये ये लग गया ये भी हाँ, ओके ऐसे ही मुझे भी चार हाइट की वॉल बिल्ड करनी है तो जैसे ये एक हो गया दो और सामने पर भी ऐसे ही मुझे बिल्ड करना होगा ये तो भी ये इसके लिए बहुत सारे जाने वाले है ब्लॉक्स तो वॉल बिल्ड हो जाने के बाद मुझे थ्री बाई थ्री का एक सरफेस बनाना होगा ये हो गया दो एक दो एक दो और ये तीन और बीच में दो ब्लॉक्स की गैप छोड़ के ऐसे ही कॉपी करने हैं चार पांच छ सात अरे सात आठ नौ ओके तो आगे भी ऐसे ही होगा इस फार्म की टोटल लेयर से तीन और तीन लेयर्स के टोटल मिला के हो जाते हैं ट्वेंटी सेवन एक लेवल पर आएगी नौ नौ और उसी के साथ ट्रैप डोर्स भी लगाने हैं नहीं 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 ये गलत लग गया ये देखो ऐसे आपको ट्रैप डोर्स लगाने हैं और ध्यान रखने इनको आपको बंद भी करना है एक बात आपको जितनी लेयर्स चाहिए ना उतनी आप लोग बिल्ड कर सकते हो ना मेरे पास अभी कुछ ट्रैप डोर्स की कमी पड़ चुकी है मैं गिन के लाया था तो कोई बात नहीं हम लोग क्राफ्ट कर लेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारा काम कर लिया है तो यहाँ पर सिर्फ इसको बंद करना है क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके ट्रैपडोर्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ ओके तो मैंने सब कुछ काम खत्म कर दिया है ट्रैप डोर्स भी बना लिए हैं और अभी भी थोड़ी जगह पर रह रहे हैं तो इसको पहले बंद कर दू ट्रैप डोर्स को अभी हमें और कुछ नहीं बस मरना है क्योंकि हमें जाना है नीचे ब्लॉक्स वगैरह चाहिए यार इसकी वजह से अभी यार डर तो लग रहा है इतनी सारी एक्सपीज जाएगी बट कोई ना कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है यहाँ पर मैं एक चेस्ट बना के उसमें मेरा सारा सामान रख के सुसाइड कर लूंगा चलो दोस्तों सुसाइड के लिए रेडी हो जाओ और पहला मरने जा रहा हूं चलो गज यहां पर अपना फार्म तो सक्सेसफुल हो चुका है अबे यार लेकिन अभी बाहर इसको तोड़ के जाना पड़ेगा ओके okay, तो अभी बस एक ही काम बचता है और वो है यहाँ पर पानी का क्योंकि मैंने सारा काम खत्म कर दिया है नहीं 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 ऐसा नहीं लिमिटेड वॉटर है पहले बनाओ इन्फानाइट ओके तो यहाँ पर इंफानाइट तो अभी बन जाएगा और अभी पानी का काम खत्म कर देते हैं तो पहले साइड पर पानी बस गया अपना अभी बाकी बाजू की साइड में बट अरे यार फ्लिक क्यों होती है आ, इससे पहले इसको तोड़ता हूँ चेस्ट वगैरह क्राफ्टिंग टेब, आ, टेबल टेबल वगैरह को और यहाँ पर ओके तो ये भी हो गया अभी काम बचता है तो सिर्फ आ, मतलब कि रहता है तो अभी इसको तोड़ता हूँ मैं और ऊपर चलते हैं फटाफट ओके तो सारा काम गाइस फाइनली अपना हो चुका है और मैं एक और बार नीचे गया था क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स की कमियां आ पड़ी थी और मैं फिर से इसको स्मेल्ट वगैरह करके लेकर आया था अभी मुझे यहाँ पर परचे तो टॉर्च एक ही टॉर्च से चलाना पड़ेगा और अभी नीचे फिर से मरना पड़ेगा यार पहले मुझे एक बकेट नीचे थ्रो करके देखनी पड़ेगी गई गई, गई 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 ओके तो ये तो परफेक्ट है इसका मतलब हम भी उस पर ही मरने वाले हैं तो ओ भाई साहब अबे यार इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा नहीं 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 यहाँ पर मैंने गलत कर दिया ट्रैप डोर एक निकाल दिया था वो आ गया क्रीपर आ गया चलो भाई अपना पहला फार्म तो काम कर रहा है ओ पी आर बहुत मस्त अबे यार मेरे पास ट्रैप डोर तो खैर नहीं है उसको मैं बाद में लगा दूंगा यहाँ नहीं 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 यहाँ पर एक डोर है तो इसको तो खैर मैं बाद में लगा दूंगा बट अभी इसको मैं मार नहीं सकता क्या थीरी ऐसी जैसे आ जाओ ओ भाई, भाई भाई, ओ भाई नहीं नहीं मेरे भाई अगर तू अभी फटा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एक सेकेंड जुगाड़ करता हूँ इसका ऑल राइट right, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बेज आ चुके हैं अभी यार मर क्यों नहीं रहे और यहाँ पर हाँ एक चीज मैं तो बताना भूल ही गया जो आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बिल्ड किए होंगे ना उनके ऊपर कारपेट लगाना मत भूलना क्योंकि उससे स्पाइडर स्पॉन नहीं होंगे और अभी आप लोग देख सकते हो कि कितने स्पीड से जॉम्बे स्पॉन होते होकर आ रहे है ए एफ के तो थोड़ा सा मैंने किया था और यहाँ पर मुझे बहुत सारे जॉम्बेज दिख रहे है अभी यार मेरे आगे जाने के फट रही है क्योंकि अपने ये भी है ना क्या क्रीपर है ना अगर फट गया तो इतने सारे जॉम्बीज मेरे को छोड़ेंगे नहीं ओबे एक्सपी देखो किस तरीके से आ रही है यार तू तो फार्म तो अपना बढ़िया चल रहा है ओके मजा आ रहा है और एक्सपी तो इसमें से इन्फॉर्नाइट हमें मिली मिलने ही वाली है चलो गाइस तो मैंने बहुत काम कर लिया है और एक्सपी भी अपनी थोड़ी सी बढ़ा ली है ये देखो कितना बड़ा लग रहा है तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने तो आई होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंजॉय किया है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि फिफ्टीन डेज फिफ्टीन वीडियो का चैलेंज कर रहा हूँ यार और कॉमेंट भी कर देना फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह कर देना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले के साथ तब तक के लिए गुड बाय